ओम श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर सदगुरु साईनाथ महाराज आपकी जय हो, आपकी जय हो। बाबा आज साई श्री साई सचरित्र का अध्याय 12। हे मेरे मालिक, हे सदगुरु, अपनी कृपा करो, अपना आशीर्वाद दो कि यह पाठ सब भक्तों के चित्त में उतरे। आइए अब हम अध्ययन करेंगे अध्याय 12। इसमें पहला है काका महाजनी और दूसरा धुमाल वकील, तीसरा श्रीमती निमोड़कर, चौथा नासिक के मूले शास्त्री, पांचवा एक डॉक्टर के द्वारा बाबा की लीलाओं का अनुभव। इस अध्याय में बाबा किस प्रकार भक्तों से भेंट करते और कैसा बर्ताव करते थे इसका वर्णन किया गया है। आइए पढ़ते हैं संतों का कार्य। हम देख चुके हैं कि ईश्वरीय अवतार का ध्येय साधु जनों का परित्राण और दुष्टों का संहार करना है, परंतु संतों का कार्य तो सर्वथा ही भिन्न ही है। संतों के लिए साधु और दुष्ट प्रायः एक समान ही हैं। यथार्थ में उन्हें दुष्कर्म करने वालों की प्रथम चिंता होती है और वे उन्हें उचित पथ पर लगा देते हैं। वे भवसागर के कष्टों को सोखने के लिए अगस्त्य के सदस्य हैं और अज्ञान तथा अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य के समान हैं। संतों के हृदय में भगवान वासुदेव निवास करते हैं, वे उनसे पृथक नहीं हैं। श्री साईं भी उसी कोटि में हैं जो कि भक्तों के कल्याण के निमित्त ही अवतरीण हुए थे। वे ज्ञान ज्योति स्वरूप थे और उनकी दिव्य प्रभा अपूर्व थी। उन्हें समस्त प्राणियों से समान प्रेम था। वे निष्काम तथा नित्य मुक्त थे। उनकी दृष्टि में शत्रु, मित्र, राजा और भिक्षुक सब एक समान थे। पाठकों, अब कृपया उनका यश श्रवण करें। भक्तों के लिए उन्होंने अपना दिव्य गुण समूह पूर्णतः प्रयोग किया और सदैव उनकी सहायता के लिए तत्पर रहे। उनकी इच्छा के बिना कोई भक्त उनके पास पहुंच ही ना सकता था। यदि उनके शुभ कर्म उदित हुए हैं तो उन्हें बाबा की स्मृति भी कभी नहीं आई। और ना ही उनकी लीलाएं उनके कानों तक पहुंच सकी। तब फिर बाबा के दर्शनों का विचार कर भी उन्हें कैसे आ सकता था। अनेक व्यक्तियों की श्री साईं बाबा के दर्शन की इच्छा होते हुए भी उन्हें बाबा के महासमाधि लेने तक कोई योग प्राप्त ना हो सका। अतः ऐसे व्यक्ति जो दर्शन लाभ से वंचित रहे हैं, यदि वे श्रद्धापूर्वक साईं लीलाओं का अवश्रण करेंगे तो उनकी साईं दर्शन की इच्छा बहुत कुछ सीमा तक तृप्त हो जाएगी। भाग्यवश यदि किसी को किसी प्रकार बाबा के दर्शन हो भी गए तो वह वहाँ अधिक ठहर ना सका। इच्छा होते हुए भी केवल बाबा की आज्ञा तक ही वहाँ रुकना संभव था और आज्ञा होते ही स्थान छोड़ देना आवश्यक हो जाता था। अतः ये सब उनकी शुभ इच्छा पर ही अवलंबित था। अब जानते हैं काका महाजनी। एक समय काका महाजनी बंबई से शिरडी पहुँचे। उनका विचार एक सप्ताह ठहरने और गोकुल अष्टमी उत्सव में सम्मिलित होने का था। दर्शन करने के बाद बाबा ने उनसे पूछा, तुम कब वापस जाओगे? उन्हें बाबा के इस प्रश्न पर आश्चर्य सा हुआ। उत्तर देना तो आवश्यक ही था, इसलिए उन्होंने कहा कि जब बाबा आज्ञा दें। बाबा ने अगले दिन जाने को कहा। बाबा के शब्द कानून थे जिनका पालन करना नितांत आवश्यक था। काका महाजनी ने तुरंत ही प्रस्थान किया। जब वे बंबई में अपने ऑफिस में पहुँचे तो उन्होंने अपने सेठ को अति उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करते पाया। मुनीम के अचानक ही अस्वस्थ हो जाने के कारण काका की उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। सेठ ने शिरडी को जो पत्र काका के लिए भेजा था वह बंबई के पते पर उनको वापस लौटा दिया गया। अब पढ़ते हैं भाऊ साहेब धुमाल। अब एक विपरीत कथा सुनिए। एक बार भाऊ साहेब धुमाल एक मुकदमे के संबंध में निफाड़ के न्यायालय को जा रहे थे। मार्ग में वे शिरडी उतरे, उन्होंने बाबा के दर्शन किए और तत्काल ही निफाड़ को प्रस्थान करने लगे, परंतु बाबा की स्वीकृति प्राप्त ना हुई। उन्हें शिरडी में एक सप्ताह और रोक लिया। इसी बीच में निफाड़ के न्यायाधीश उदर पीड़ा से ग्रस्त हो गए, इस कारण उनका मुकदमा किसी अगले दिन के लिए बढ़ाया गया। एक सप्ताह बाद भाऊ साहब को लौटने की अनुमति मिली। इस मामले की सुनवाई कई महीनों तक और चार न्यायाधीशों के पास हुई। फलस्वरूप धुमाल ने मुकदमे में सफलता प्राप्त की और उनका मुवक्किल बन मामले में बरी हो गया।
अब पढ़ते हैं श्रीमती निमोड़कर। श्री नाना साहब निमोड़कर जो निमोड़ के निवासी और अवैतनिक न्यायाधीश थे, शिरडी में अपनी पत्नी के साथ ठहरे हुए थे। निमोड़कर तथा उनकी पत्नी बहुत सा समय बाबा की सेवा और उनकी संगति में व्यतीत किया करते थे। एक बार ऐसा प्रसंग आया कि उनका पुत्र बेलापुर में रोग से पीड़ित हो गया। तब उसकी माता ने वहां जाकर अपने पुत्र और अन्य संबंधियों से मिलने तथा कुछ दिन वहीं व्यतीत करने का निश्चय किया, परंतु श्री नाना साहब ने दूसरे दिन ही उन्हें लौट जाने को कहा। वे असमंजस में पड़ गई कि अब करना क्या चाहिए, परंतु बाबा ने सहायता की। शिरडी से प्रस्थान करने के पूर्व वे बाबा के पास गई। बाबा साठेवाड़ा के समीप नाना साहब और अन्य लोगों के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने जाकर चरण वंदना की और प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। बाबा ने उनसे कहा, शीघ्र जाओ, घबराओ नहीं, शांत चित्त से बेलापुर में 4 दिन सुखपूर्वक रहकर सब संबंधियों से मिलो और तब शिरडी आ जाना। बाबा के शब्द कितने सामयिक थे। श्री निमोड़कर की आज्ञा बाबा द्वारा रद्द हो गई। अब पढ़ते नासिक के मूल शास्त्री यानी ज्योतिषी। नासिक के एक कर्मनिष्ठ अग्निहोत्र ब्राह्मण थे जिनका नाम मूल शास्त्री था। इन्होंने 6 शास्त्रों का अध्ययन किया था और ज्योतिष तथा सामुद्रिक शास्त्र में भी पारंगत थे। वे एक बार नागपुर के प्रसिद्ध करोड़पति श्री बापू साहेब बूटी से भेंट करने के बाद अन्य स्वजनों के साथ बाबा के दर्शन करने मस्जिद में गए। बाबा ने फल बेचने वाले से अनेक प्रकार के फल और अन्य पदार्थ खरीदे और मस्जिद में उपस्थित लोगों में उनको वितरित कर दिया। बाबा आम को तो इतनी चतुराई से चारों ओर दबा देते थे कि चूसते ही संपूर्ण रस मुंह में आ जाता तथा गुठली और छिलका तुरंत फेंक दिया जाता था। बाबा ने केले छीलकर भक्तों में बांट दिए और उनके छिलके अपने लिए रख लिए। हस्तरेखा विशारद होने के नाते मूल शास्त्री ने बाबा के हाथ का परीक्षण करने की प्रार्थना की, परंतु बाबा ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर उन्हें 4 केले दिए। इसके बाद सब लोग वाड़े को लौट आए। अब मूल शास्त्री ने स्नान किया और पवित्र वस्त्र धारण कर अग्निहोत्र आदि में जुट गए। बाबा भी अपने नियमानुसार लैंडी को रवाना हो गए। जाते जाते उन्होंने कहा कि कुछ गैरू लाना, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे। बाबा के शब्दों का अभिप्राय किसी की समझ में न आया। कुछ समय के बाद बाबा लौटे। अब मध्यान्ह बेला की आरती की तैयारियां प्रारंभ हो गई थी। बापू साहब जोग ने मूले से आरती में साथ करने के लिए पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि वे संध्या समय बाबा के दर्शन को जाएंगे। जोग अकेले ही चले गए। बाबा के आसन ग्रहण करते ही भक्त लोगों ने उनकी पूजा की। अब आरती प्रारंभ हो गई। बाबा ने कहा, उस नए ब्राह्मण से कुछ दक्षिणा लाओ। बूटी स्वयं दक्षिणा लेने को गए और उन्होंने बाबा का संदेश मूल शास्त्री को सुनाया। वे बुरी तरह घबरा गए। वे सोचने लगे कि मैं तो एक अग्निहोत्र ब्राह्मण हूँ, फिर मुझे दक्षिणा देना क्या उचित है। माना कि बाबा महान संत हैं, परंतु मैं उनका शिष्य नहीं हूँ। फिर भी उन्होंने सोचा कि जब बाबा सरीखे महान संत दक्षिणा मांग रहे हैं और बूटी सरीखे करोड़पति लेने को आए हैं, तो वे अवहेलना कैसे कर सकते हैं। इसलिए वे अपने कृत्य को अधूरा ही छोड़कर तुरंत बूटी के साथ मस्जिद को गए। वे अपने को शुद्ध और पवित्र तथा मस्जिद को अपवित्र जानकर कुछ अंतर से खड़े हो गए और दूर से ही हाथ जोड़कर उन्होंने बाबा के ऊपर पुष्प फेंके। एकाएक उन्होंने देखा कि बाबा के आसन पर उनके कैलाशवासी गुरु घोलप स्वामी विराजमान हैं। अपने गुरु को वहाँ देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। कहीं यह स्वप्न तो नहीं है? नहीं, यह स्वप्न नहीं है, मैं पूर्ण जागृत हूँ। परंतु जागृत होते हुए भी मेरे गुरु महाराज यहाँ कैसे आ पहुँचे? कुछ समय तक उनके मुंह से एक भी शब्द ना निकला। उन्होंने अपने को चिकोटी ली और पुनः विचार किया, परंतु वे निर्णय ना कर सके कि कैलाशवासी गुरु घोलप स्वामी मस्जिद में कैसे आ पहुँचे। फिर सब संदेह दूर करके वे आगे बढ़े और गुरु के चरणों पर गिरकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। दूसरे भक्त तो बाबा की आरती गा रहे थे, परंतु मूल शास्त्री अपने गुरु के नाम की गर्जना कर रहे थे। फिर सब जाति पाति का अहंकार तथा पवित्रता और अपवित्रता की कल्पना त्याग कर वे गुरु के श्री चरणों पर पुनः गिर पड़े।
उन्होंने आंखें मूंद ली, परंतु खड़े होकर जब उन्होंने आंखें खोली तो बाबा को दक्षिणा मांगते हुए देखा। बाबा का आनंद स्वरूप और उनकी अनिवर्चनीय शक्ति देख मूले शास्त्री आत्मविस्मृत हो गए। उनके हर्ष का पारावार न हरा, उनकी आंखें अश्रुपूरित होते हुए भी प्रसन्नता से नाच रही थी। उन्होंने बाबा को पुनः नमस्कार किया और दक्षिणा दी। मूले शास्त्री कहने लगे कि मेरे सब संशय दूर हो गए, आज मुझे अपने गुरु के दर्शन हुए। बाबा की अद्भुत लीला देखकर सब भक्त और मूले शास्त्री द्रवित हो गए। गेरू लाओ, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे। बाबा के इन शब्दों का अर्थ अब सबकी समझ में आ गया। ऐसी अद्भुत लीला श्री साई बाबा की थी। अब पढ़ते हैं डॉक्टर। एक समय एक मामलतदार अपने डॉक्टर मित्र के साथ शिरडी पधारे। डॉक्टर का कहना था कि मेरे इष्ट श्री राम हैं, मैं किसी यवन को मस्तक ना नमाऊंगा। अंत वे शिरडी जाने में असहमत थे। मामलतदार ने समझाया कि तुम्हें नमन करने को कोई बात देना करेगा और ना ही तुम्हें कोई ऐसा करने को कहेगा, अतः मेरे साथ चलो, आनंद रहेगा। वे शिरडी पहुँचे और बाबा के दर्शन को गए, परंतु डॉक्टर को ही सबसे आगे जाते देख और बाबा की प्रथम चरण वंदना करते देख सबको बड़ा विस्मय हुआ। लोगों ने डॉक्टर से अपना निश्चय बदलने और इस भांति एक यवन को दंडवत करने का कारण पूछा। डॉक्टर ने बतलाया कि बाबा के स्थान पर उन्हें अपने प्रिय इष्ट देव श्री राम के दर्शन हुए और इसलिए उन्होंने नमस्कार किया। जब वे ऐसा कह ही रहे थे तभी उन्हें साईं बाबा का रूप पुनः दिखने लगा। वे आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या ये स्वप्न है? ये यवन कैसे हो सकते हैं? अरे अरे, यह तो पूर्ण योग अवतार हैं। दूसरे दिन से उन्होंने उपवास करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक बाबा स्वयं बुलाकर आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मस्जिद में कदापि न जाऊँगा। इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। चौथे दिन उनका एक इष्ट मित्र खानदेश से शिरडी आया। वे दोनों मस्जिद में बाबा के दर्शन करने गए। नमस्कार होने के बाद बाबा ने डॉक्टर से पूछा, आपको बुलाने का कष्ट किसने किया? आप यहाँ कैसे पधारे? यह प्रश्न सुनकर डॉक्टर द्रवित हो गए और उसी रात्रि को बाबा ने उन पर कृपा की। डॉक्टर को निद्रा में ही परमानंद का अनुभव हुआ। वे अपने शहर लौट आए तो भी उन्हें 15 दिनों तक वैसा ही अनुभव होता रहा। इस प्रकार उनकी साईं भक्ति कई गुना बढ़ गई। उपयुक्त कथाओं की शिक्षा विशेषता मूले शास्त्री की यही है कि हमें अपने गुरु में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अगले अध्याय में बाबा की अन्य लीलाओं का वर्णन होगा। श्री सद्गुरु साईनाथ अपरणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।